नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। इंटर परीक्षा को लेकर बगहा के सातों केंद्रों पर डीपीओ ने किया निरीक्षण। सभी सात केंद्रों के डीएस को डीपीओ ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। बगहा के सात केंद्रों में मंगलवार से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर डीपीओ माध्यमिक राजन कुमार द्वारा सभी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इन सभी सात केंद्रों पर कुल 4792 छात्राएं परीक्षा में भाग लेंगी। पहले दिन प्रथम पाली में मैथ व दूसरे पाली में हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला से आए डीपीओ ने सभी सातों केंद्रों पर परीक्षा में होने वाले तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बेंच डेस्क, नोटिस बोर्ड, सभी कक्षाओं में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई के बारे में सीएस से जानकारी ली। डीपीओ ने बताया कि सभी सीएस को निर्देश दिया गया है कि अपने सभी मूलभूत सुविधाएं और कोविड-19 के एसओपी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराने का निर्देश दिया। शिक्षकों और छात्रों के साथ परीक्षा केंद्र के सभी कर्मियों को कोविड-19 के नियमों का पालन सख्ती से करते हुए मास्क, छात्रों का थर्मल स्कैनिंग, नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जो शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं उनकी रिपोर्ट तुरंत कार्यालय में भेजने को कहा। परीक्षा कदाचार मुक्त हो, जिसके लिए पूरी कड़ाई और सख्ती करने का निर्देश डीपीओ ने दिया। परीक्षा केंद्र में 2-1-2 और प्रत्येक बेंच पर 2 छात्राओं की परीक्षा, परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर की गई है। निरीक्षण भी किया गया, क्या दिशा निर्देश दिया गया सीएसओ को? बगहा मंडल में 7 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। कल परीक्षा प्रारंभ हो रही है, उसके पूर्व हम लोग जो है प्रत्येक केंद्र पर घूमकर भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, ताकि जो है यहाँ जो भी बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका 100% अनुपालन किया जा सके। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, लाइटिंग की सुविधा हो गई, ये रहना चाहिए आपको, शौचालय हो गया, फ्रिस्किंग को बेहतर तरीके से करना है, सेटिंग अरेंजमेंट बेहतर हो, और हमारे जितने भी विजिलेटर हैं पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, बेंच डेस्क है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की मुआयना किया गया और सभी सीएस को निर्देश दिए गए। कोविड-19 के एसओपी जो है उसको जो है अनुपालन करना है, सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है और सभी जगह लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि हम बहुत कैंडिडेट फ्रेंडली जो है परीक्षा दे सकें, विद्यार्थियों को बहुत ही सुगमतापूर्वक और बेहतर तरीके से परीक्षा कम्फर्ट जोन में दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सभी सीएस को भी निर्देश दिया गया है। आदर्श केंद्र भी बनाया गया सर यहाँ पर? इसमें आदर्श केंद्र बनाया गया था, वो प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है जो बगावन में है, उसको आदर्श केंद्र बनाया गया है। वहाँ पर भी मैंने विजिट किया है और उनको भी निर्देश दिया है। धन्यवाद।